नहीं साधक, माला जाप कैसे करें, किस मंत्र पे करें और किस माला से करें। जी हाँ, आज का ये वीडियो बनाने का उद्देश्य नए साधकों को सही दिशा दिखाने का है। अक्सर मेरे से लोग कहते हैं, प्रभु जी अभी हमें भक्ति का कह कह गया ABCD कुछ नहीं पता और हम माला करना चाहते हैं, लेकिन अभी गुरु धारण करने के मन में भाव नहीं है, लेकिन सबको देखकर लगता है कि हमें भी माला जाप करनी चाहिए, प्रभु का नाम जपना चाहिए। तो ये वीडियो आज के नए साधकों के लिए बना रहा हूँ, इसलिए पूरी बुद्धि विवेक के अनुसार दास के बातों को समझना और उतारने की कोशिश करना। याद रहे, गुरु गोविंद की कृपा से मैं आप सबके समक्ष अपनी बात रखूंगा, मानना न मानना यह आपके ऊपर निर्भर करता है। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए अंत तक जुड़िएगा। और इससे संबंधित कोई भी अगर आपका सवाल हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके आप पूछ सकते हैं, और अंत में शेयर जरूर कर देना। तो जुड़े रहेगा अंत तक, मस्त दीपक बिंदास दीपक के साथ। हरी बोल हरी बोल हरी बोल। मित्रों, आप सबका मित्र सगा दोस्त मस्त दीपक बिंदास दीपक, श्री हरि का दास दीपक एक बार फिर हाजिर है अपने इस आध्यात्मिक YouTube चैनल श्री हरि का दास दीपक पर। तो मित्रों, आज का ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, खासतौर पे नए साधकों के लिए दास ये वीडियो बना रहा है। प्रभु की प्रेरणा से, प्रभु ने आज प्रेरणा दी कि मैं नए साधकों के लिए ये वीडियो बनाऊं। और जिन्होंने गुरु दीक्षा ले रखी है वो गुरु के नियम अनुसार जिस भी संप्रदाय के उसके अनुसार ही उन्हें फॉलो करें। इस वीडियो को सिर्फ नए साधक देखें जिन्होंने अभी गुरु धारण नहीं किए और गुरु धारण करना चाहते हैं, लेकिन अभी नाम जप कैसे करना है, किस तरीके से करना है वो समझना चाहते हैं। तो मित्रों, जो भी भक्ति मार्ग में आज दास दीपक मस्त दीपक बिंदास दीपक श्री हरि के दास दीपक को पहली बार सुन रहा है, अभी से दास के चैनल को रेड वाला सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन टिंग टॉक दबा दीजिए, ताकि भक्ति मार्ग पे आप घर बैठे मेरे साथ चकाचक अपडेट रहें। और अंत में शेयर करना मत भूलना याद से। मित्रों, दास किस आध्यात्मिक पाठशाला में आप सभी नए साधकों का दिल से स्वागत है। तो बात करते हैं कि नए साधक को किस मंत्र से, किस माला पे और कब जाप करना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं, जैसे स्कूल में बच्चा एडमिशन लेता है प्री नर्सरी से, हमारे समय तो नर्सरी KG फर्स्ट सेकंड होता था। तो नए साधकों को भी ये समझ लेना चाहिए, अपने आप को शून्य मान के चलना चाहिए। आप जो देखते आए हैं, जो समझते आए हैं, देख हम देख कुछ नहीं करना। अब आपको जब क्लास में बैठना है तो अपने आप को पूरा शून्य कर लो। अगर आप जरा सा भी किसी को देख हम देख करेंगे तो आप भक्ति मार्ग में अग्रसर नहीं हो पाएंगे। वो ऐसा कर रहा है तो मैं ऐसा क्यों करूं, मैं भी वैसा करूं, नहीं। हर एक की स्टार्टिंग शून्य से होती है, मतलब एक से होती है। तो आप पहले अपने आप को भीतर से शून्य करो, फिर मेरी बात को समझो दास दीपक की, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। अपने आप को ये मानो कि आप शून्य हो और आपने अभी KG में एडमिशन लिया है और अभी आपको बैठना नहीं आता। KG में पहले बैठना, फिर KG नर्सरी फर्स्ट सेकेंड में बैठना लिखना सिखाया जाता। तो दास जो आपको बता रहा है इसी अनुसार बता रहा है, इस बात को जहन में बिठा लीजिएगा। अभी आप शून्य हैं और भक्ति मार्ग में अब आप एक सीखेंगे। तो सबसे पहले समझ लीजिए, भक्ति मार्ग में आपका किसी से कोई भी कंपटीशन नहीं। जैसे आप अक्सर देखते होंगे, अरे वो तो चार माला करते हैं, मेरे को तो अभी एक माला हो रही है या दो माला हो रही है। ये मन में भाव नहीं लाना, संसार से शून्य कर लो। यहाँ पे आपको कोई टारगेट नहीं मिला है कि आपको इस महीने में इतना टारगेट पूरा करना पड़ेगा तभी सैलरी मिलेगी, आपको बिजनेस में इतना टारगेट पूरा करना, पैकेज पूरा करना पड़ेगा कंपनियों का तभी जाके आपको ज्यादा मुनाफा होगा। नहीं, यहाँ हमें कोई टारगेट नहीं मिला, हमें कोई संसारिक टारगेट नहीं है। हमारे पास एक ही है कि हमें नाम जप करके प्रभु के समीप कितना पहुंच सकते हैं, और प्रभु कृपा से जब हमें गुरुदेव मिलेंगे और प्रभु से हमारा गुरुदेव गठबंधन करा देंगे तो हमें भगवत प्राप्त। तो हमें यहाँ अभी सिर्फ शुरुआत करनी है नाम जप से, किसी के हिरस में नहीं करना, कोई स्पर्धा नहीं है, अपने आप को शून्य समझ लो। तो जब भी आप नाम जपेंगे तो बड़े संयम से जपेंगे। कैसे जपेंगे? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये तो वो मंत्र है जो कलयुग का मंत्र है जो आपको माला में जपना है, लेकिन इस माला से पहले एक मंत्र जपना है, वो मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा। तो सबसे पहले समझ लो आपने माला जपनी है। अब आती है कौन सी माला, अब स्टार्ट कर दे कौन सी माला। माला दो प्रकार की आती है मार्केट में, जैसे मेरे पास एक ये माला है, ये कौन सी माला है, ये जाप माला है, लेकिन ये नीम की माला है। समझ लो ये नीम की माला, आप नीम की माला से भी स्टार्ट कर सकते हो। एक मेरे पास दूसरी माला है जो कि वो तुलसा जी की माला, जो कि मैं आपके समक्ष हूं, ये प्योर तुलसा जी की माला है। मेरी जो शुरुआत हुई थी इसी माला से हुई थी। इसके बाद कुछ ऐसी परिस्थितियां घटी कि धीरे धीरे गुरुदेव की माला मिली, गुरुदेव की माला के बाद अभी मैं एक माला और खरीद के लाया हूँ। और मेरे से एक बात और भी कहा जाता है कि प्रभु जी अगर हमारी माला कोई जाप माला तुलसी माला खंडित हो या मतलब टूट जाए या कंठी माला, तो क्या करना चाहिए, उसके लिए मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, इस बात को आप समझ लीजिए। तो देखिए, इन दोनों माला में एक चीज कॉमन है, दोनों में सुमेरु है, दोनों में सुमेरु है।
ये कौन सी माला है? नीम की माला। ये है तुलसा जी की माला और दोनों में 108 मन के। तो बात करते हैं शुरुआत में अभी नीम की माला से। देखिए अभी आप नए साधक हैं, अभी हो सके तो आप तुलसा माला ना ले, नीम की माला ले। नीम की माला आपके जिस भी शहर में होगी, दिल्ली में किसी मंदिर के बाहर या वृंदावन में जाओगे, वहीं कहीं भी नीम की माला मिल जाती है। और आज की तारीख में तो ऑनलाइन जो कितने लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है कि तुलसा माला के पैसे लेते हैं, हमारी कई सखियों के साथ हुआ है, और भेज नीम की माला देते हैं या दूसरी लकड़ी से बनी कोई और माला देते हैं, पॉलिश कर देते हैं तुलसा जी वाली। ये गलत कर रहे हैं, मैं उनको बोलना चाहूंगा ये फ्रॉड मत करो, भक्ति के मार्ग में लोगों को गलत सामान मत दो, महाअपराध लगेगा। प्योर कह के बेचो, ये नीम की है, लकड़ी की है या तुलसा जी की है। बहुत पनपोगे अगर धर्म के नाम पर उसकी आस्था के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो उसका नाश निश्चित है। तो दास ये बात हर कंपनी वालों को समझा रहा है जो सुन रहे हैं, अगर जिस चीज के पैसे लिए उस चीज का प्रोडक्ट उसको पहुंचाओ। तो बात करते हैं माला की। देखिए इस माला की खासियत है, इस माला में पहले नए साधक देख रहे हैं, ये से सुमेरु कहते हैं। क्या कहते हैं? सुमेरु। और इसके ऊपर एक मनका है, सबसे ऊपर एक मनका है ये चीज। दूसरी जो हमारी तुलसा जी है उसमें भी ये सुमेरु है, और उसमें भी ऊपर देखो एक मनका है, दिख रहा है? बात वही है, सिर्फ मनकों का फर्क है। इसमें क्या नाम है, नीम की माला में भी मनके हैं, उसमें भी दोनों में 108 है। तो मैं आपको इस पर समझा रहा हूँ। पहले देखो दोनों मनके हैं, आप इसमें से एक मनके पे, वैसे तो कायदा ही होता है एक तरफ का मनका मोटा होता है, ऐसे स्टार्टिंग होती है, एक तरफ का पतला है, इसमें बराबर है। और तुलसा जी की जो माला होती है वो पूरी अलग तरीके की होती है, उसमें फिनिशिंग नहीं होती। ये नीम की माला इसमें फिनिशिंग करके बेचा जाता है, इसे क्लियर पता चल जाता है ये तुलसा जी नहीं है, इसे नकली माला कहेंगे। लेकिन सही माला में तो ये नीम की माला होती है, ठीक है? नीम की माला वो होती है, तुलसा जी के नाम पे जो ये बेचते हैं ना, कहते हैं तुलसा जी नकली। नकली नहीं है ये, नीम की है, ये दूसरी लकड़ी की बनी हुई है। तो बात करते हैं, जैसे आपके दोनों अगर मन के बराबर हैं तो एक मन के पे घर में माता बहनों की नेल पेंट होता है, उसे निशान लगा लो। निशान लगा ली तो उसे सीधा मान लो। तो आपने स्टार्टिंग ऐसे करनी है, कहां से? इस मंत्र से, ठीक है? इससे पहले एक मंत्र है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन शुरुआत का तरीका बता रहा हूँ, माला जाप का तरीका। माला हमेशा झोली के अंदर होनी चाहिए, ये भी समझ लो। क्यों? अगर आप जैसे घर का धन आप छुपा के रखते हो, अपनी तिजोरी में रखते हो, बैंक में रखते हो, या अपने पर्स में रखते हो, छुपाते हो ना, कोई चोरी न हो या दिखे ना, हमेशा धन छुपा के रखा जाता है, भोजन भी छुपा के कराया जाता है। इसलिए जो धन की बात मैं कर रहा हूँ तो ये हरी नाम रूपी धन है, इसे भी छुपा के रखना। आवेश में तेजना में नहीं आना, अभी आप बिल्कुल जीरो हो, अभी आप केजी में बैठे हो, बस अभी आपने प्रैक्टिस करनी है नाम जप की। इस मंत्र से पहले मन के से नाम जप शुरू होता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक मन के में पूरा ये मंत्र बोलना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ध्यान दीजिएगा, मैं एक एक करके मंत्र जब के मन के ऐसे पीछे कर रहा हूँ। इस उंगली को मैंने बाहर रखा हुआ अलग, इसको भी बताऊंगा क्यों रखा हुआ है, अभी बताऊंगा, ध्यान से समझ लीजिएगा। वो ऐसे करते करते जब आप पूरी माला को जपते जपते इस लास्ट मन के पे आ जाते हो, इधर पहुंच जाते हो, तो यहाँ से अगर आपने माला और नहीं करनी तो यहाँ विराम करके आप माला रख सकते हो अपने थैली झोला में। अगर आपने यहाँ तक एक माला, यहाँ से शुरू करके यहाँ एक माला खत्म हो जाती है, फिर आपने माला करनी तो इसको मनके को क्रॉस नहीं करना, इस सुमेरु को क्रॉस नहीं करना, बल्कि यहाँ से घुमा दो, अंतिम मनके से घुमा दो, फिर शुरू कर दो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पहली बात। दूसरी बात समझ लो, आवेश में आके तेज तेज नहीं बोलना और जल्दी जल्दी करेंगे, जल्दी जल्दी नहीं, जल्दी का काम शैतान को। आप बच्चा का जल्दी जल्दी आ का खा गा आ अनार लिखेगा, आराम से तभी लिखना आएगा, जल्दी में हैंडराइटिंग गंदी होगी, लिखा नहीं जाएगा और साफ काम खराब हो जाएगा। जल्दी मंत्र नहीं, भक्ति तो संयम का है, भक्ति संयम और सबर का है रास्ता है। भक्ति में बहुत संयम सबर रखना पड़ता है, ये बात समझ लो, हीरस में नहीं रहना, पहले बोल दिया, कोई स्पर्धा कंपटीशन नहीं है, सबर से। तो मंत्र का उच्चारण बिल्कुल साफ क्लियर शब्दों में बोलना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अच्छा यहाँ एक बात और जोड़ दूं, कई साधक जो घर में होते हैं अपने घर के अंदर माला नहीं करते, नाम जपते हैं, ये नाम अगर आप वैसे भी जप रहे हो तब भी फलीभूत है, क्योंकि ये कलियुग मंत्र है। कलियुग में जो ये मंत्र जो है ना, कलियुग का मंत्र कली चंद्रण उपनिषद में इसके बारे में बताया गया है, ब्रह्मा जी द्वारा नारद जी को बताया गया, नारद जी से फिर संसार में कलयुग इंसान तक ये पहुंचा था। तो हरे कृष्ण महामंत्र इस कलयुग का मंत्र, जैसे द्वापर का मंत्र था ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हालांकि ये मंत्र अभी भी गुरु द्वारा जिनको मिलता है तो गुरु के नियम अनुसार उसका एक आसन होता है, उस पद्धति से नियम अनुसार वो करना चाहिए। लेकिन जो कलयुग का मंत्र है इसमें आप गुरु के बिगैर भी ये मंत्र जप सकते हो, क्योंकि कलयुग इंसान भोग वासना से इतना ग्रस्त है कि पूजा पाठ भूल जाएगा। तब ब्रह्मा जी से नारद जी ने पूछा था, हे पितामह, कि अगर कलयुग इंसान तो बहुत अधमी होगा, पापी होगा, पूजा पाठ करेगा नहीं, तब इनका उद्धार कैसे होगा? तब उन्होंने कहा था, कलिशंतु उपनिषद की बात को रखा था, कि नारद इस
कलयुग में सिर्फ ये कलयुग नाम आधारा होगा, ये नाम जब से चलेगा, हरि से, हरि के नाम से, और कलयुग का मंत्र दिया था हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप अगर बिगर माला के भी जप रहे हो तब भी ये मंत्र एक्टिव है, इसका फल मिल रहा है। दूसरा, इस मंत्र की और खासियत क्या है, अगर आप शौचालय में बैठे हुए शौचालय कर रहे हैं, मनी मन भी जपोगे तब भी एक्टिव है, कोई अपराध नहीं, तब भी उसका फल जनरेट हो रहा है। आप नहाते हुए जपोगे तब भी इसका फल जनरेट हो रहा है। अर्थात आप माला करना चाहते हो, माला के फायदे ये होते हैं कि हमें आज हमने दो माला करी तो हमें पता होना चाहिए हमने कम से कम दो माला करी है, माला से हमें आदत पड़ती है, हाँ यार कल दो करी तो हमें आज दो और करनी है। तो इस बात को आप समझ लो कि आपने माला पे मंत्र बड़े संयम से बोलना, ये नहीं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे। अरे भैया कोई रेस नहीं लग रही, संयम, सबर का दामन थामो, ये बात आप समझ लीजिए। बहुत ही संयम से मैं आपको बात समझा रहा हूँ, ये वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा लेकिन आपकी समझ के अनुसार मैं आपको ये वीडियो बना के दे रहा हूँ ताकि आप मेरी बात को समझे और उस पर अमल करें। तो ये बात आप समझ लीजिए। तो आपने जपना है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो सारा खेल सबर का, संयम का है और भाव का है। प्रभु में प्रेम में, प्रभु के प्रेम में अपने आप को रमा दो, प्रभु में अपने आप को समर्पित कर दो। दूसरी बात, और अब तीसरी बात, तीसरी बात यह कि माला करते हुए आपको मैंने बहुत उल्टे सीधे विचार आएंगे, नेगेटिव, क्योंकि यह माला हरि नाम वो होता है जो हमारे मन को शुद्ध करता है, जो मन में अनंत जन्मों के पाप है, भोग है, उनका नाश करता है। जैसे एक बहुत बड़े बदमाशों के इलाके में एक ईमानदार पुलिस वाला, सख्त पुलिस वाला पहुंच जाए तो वो उनकी वाट लगा देता है, ना फिर वहां कोई क्राइम होता, किसी प्रकार का जुर्म नहीं होता, बल्कि क्रिमिनल वहां से भाग जाते हैं। जैसे यूपी में योगी जी के आने पर सारे क्राइम खत्म हो गया ना, वैसी जब हम माला नाम जप करते हैं, क्योंकि सारे कष्टों का नाश हरि नाम ही करता है, क्योंकि हरि ना हरि का ही अंश है, उन्हीं का वंश है, तो हमारे पापों का नाश सिर्फ हरि नाम ही कर सकता है। तो जैसे ही महामंत्र जपते हैं या राधेश्याम सीताराम जपते हैं तो अंदर मन में उथल पुथल हो जाती है, उनका नाश होना शुरू हो जाता है। तो बदमाश गुंडे क्या करते हैं, अप्रोच लगाते हैं, पुलिस वालों को यहां से भगाओ, कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हैं कि वो मन ऐसी हरकत करता है, हमारे मन में पुरानी बातें लाता, गुस्सा दिलाता, क्रोध दिलाता है, माला छोड़ दे, और अक्सर लोग छोड़ देते हैं। ये सारा खेल मन का रचा होता है, इसलिए माला नहीं छोड़नी है, जितना हो सके माला का नाम जप करना है, अच्छे से करना है, सब्र से करना है। अब बात आती है कि हम एक उंगली अलग क्यों रखते हैं, तो अब ये एक उंगली अलग क्यों रखती है मैं पहले झोली में डालकर आपको बताता हूं, और इसके बाद एक साक्षी माला भी होती है। अच्छा एक बात और समझ लीजिए, अगर आप इसके साथ नहीं करना चाहते तुलसा माला जी भी करना चाह सकते हैं, आप तुलसा माला पे भी नाम जप कर सकते हो, तुलसा माला जी का भी वही प्रोसीजर है। इसके अंदर यहाँ पे है एक, देखो मोटा मन का है एक पतला है, तो निशानी ये कि तुलसा माला सीधी यहाँ से है, और तुलसा माता का जो होगा ना ये थोड़ा इनके जो रेशियो होंगे थोड़े डेड से होंगे, ठीक है, और इनमें निशान होगा और ये तुलसा माला होगी। और तुलसा असली माला कहाँ मिलती है, ब्रज में मिलती है, लेकिन कई जगह गलत लोग भी होते हैं जो तुलसा जी के नाम पे गलत आपको दे देते हैं, लेकिन जो असली तुलसा माला जी का गढ़ है वो बरसाने में जो गहवर मन है, सॉरी माफी चाहूंगा, जो गिरिराज जी में राधा कुंड है, बरसाने में गहवर मन जाता रहता हूँ इसलिए मेरी जवान पे वही रटा हुआ है, जो गिरिराज जी में हमारे राधा कुंड है वहां पे पूरा गढ़ है, वहां तो होलसेल में मिलता है, मैंने वीडियो बना के डाला था, अभी लिंक इसमें शेयर कर दूंगा, इससे पिछले वीडियो में भी मैंने शेयर किया है, तो वहां पे आपको ओरिजिनल मिल जाएगी। तो वहां पे मोटे मन की पहचान होती है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और पिछले वीडियो में बताया भी था, जब आप नई कंठी माला या तुलसा माला लेते हैं तो उसके साथ हमें शुरुआत कैसे करनी चाहिए वो वीडियो आप देख लेना, पिछले दोनों वीडियो के लिंक कि कहां पे तुलसा माला ओरिजिनल मिलती है और अगर हम नई कंठी या जाप माला लेते हैं हमें क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। तो ये तुलसा माला जी लो और यहाँ छोटे मन के पे खत्म हो जाती है। आपने माला आगे करनी है तो फिर इसे घुमा दो, फिर चालू कर दो, यहीं से महामंत्र दोबारा चालू कर दो, फिर यहाँ वापिस आ जाओ, ये दो माला हो जाएगी। अब बात करते हैं झोली की, कि झोली के अंदर हम उंगली बाहर क्यों रखते हैं, और झोली के साथ में एक साक्षी माला होती है, उस साक्षी माला का काम क्या होता है, तो ध्यान से जुड़े रहिएगा, समझते रहिएगा अंत तक मेरे साथ। तो मित्रों जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने इस समय झोली ले रखी अपने हाथ में और मेरी ये उंगली बाहर है, ये उंगली कौन सी है, जो अंगूठे के बगल वाली होती है। ध्यान दीजिए, चाहे ये राइट हैंड की हो चाहे लेफ्ट हैंड की, भक्ति मार्ग में जब भी आप माला करो इसे दूर रखो, क्योंकि ये नेगेटिव एनर्जी होती है, जैसी ये फिंगर रिंग्स होती है वैसी नेगेटिव है, ये सारी नेगेटिव रेंज बाहर फेंकती है, इसका हम अपने शरीर साफ करने में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इस उंगली को माला से स्पर्श मत होने देना, टच मत होने देना, वरना अपराध लगेगा। अब आप जब भी माला करेंगे झोली के अंदर करेंगे, झोली के अंदर रखने से क्या फायदा, सबसे पहली बात, अगर हम कोई माला खुले में करते हैं और वो सामने वाला देखता था, उसका आधा पुण्य उसके अकाउंट में ट्रांसफर होता है, तो नाम रूपी धन जिसपे हम इतना मन लगा रहे हैं, मन को खींच के ला रहे हैं, याद रहे
हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोशिश को कामयाब कौन बना रहे, गोविंद कभी मत बोलना मैं माला कर रहा हूं। दूसरा एक बात समझ लो, हीरस में आके कभी भी अपनी अपना एक गुप्त धन किसी को मत बताना। अक्सर लोग क्या करते हैं, नए नए साधक होते हैं, नए नया इंसान जो होता है गाड़ी साइकिल चलाना सीखता है तो दौड़ाता है इधर उधर और गलती करके चोट भी लगती है। अर्थात वो इसी तरह है, अगर आप नए साधक हो, अरे हम तो चार माला करते हैं, मैं दो माला करता हूँ, अरे आज मैंने 10 माला कर ली। भाई माला ये गुप्त धन है, ये नाम रूपी धन बताना नहीं है। अपनी भक्ति छुपा के रखो, मैंने शुरू में बोल दिया था, भक्ति को छुपा के रखो, अपने आप को पूरा शून्य करो, दुनिया में मत दिखाओ। कई लोग ऑफिस में जाते हैं, नए नए साधक होते हैं, लटका के रखते हैं ऑफिस में, मत करो ऑफिस का काम, करो घर में आओ, हाथ मुंह धो, चाहे 2 माला करो। हमारा उद्देश्य 16 माला तक पहुंचना है। और एक बात क्लियर कर दूं, कई लोग होते हैं, कई संस्था वाले जुड़े होते हैं कि 16 माला करो, फलाने दिन आना लेक्चर अटेंड करो, ऐसा कुछ नहीं है। किसी की बात मत सुनो जबरदस्ती, वो अपनी बात थोपेंगे, मत आओ ऐसे लोगों में जो आपको भक्ति तो आपको फ्री करती है संसार के बंधन से, वो कहते हैं हमें अटेंड करो, हमें सुनो, हमारे अलावा किसी से मत जुड़ो, ऐसे लोग जो आपको भ्रमित करें उनसे दूर हो जाओ। भक्ति आपको संसार से विमुख करती है, और भक्ति भगवान के करीब लेके जाती है, संसार के हर रिश्ते से हटाती है और उस संगत से जुड़ती है, संतों का संग होता है तो उनसे जुड़ना है। और ये माला आपको अपने आप संतों का संग देगी, संतों का संग, वो जो अयोध्या के ब्रज के हैं, जो सबसे, ये समझ लो ये अयोध्या ब्रज जो संत होते हैं यही हमारे असली संत हैं। इन्हीं की वाणी द्वारा भगवान, इन्हीं की वाणी द्वारा हम तक अपने संदेश उपदेश पहुंचाते हैं। भगवद गीता, भागवत पुराण, शिव पुराण, रामायण, इनके द्वारा हमारे तक पहुंचती है। तो इनकी वाणी वेदों की वाणी होती है, इनका सम्मान कर रखो साधु संत महात्माओं का। ऋषि मुनि तो इस कलयुग में है नहीं, जो साधु संत महात्मा है इनका सम्मान किया करो और हमेशा आदर साथ प्रणाम किया करो। भले वो आपको ना देखें, अगर आप दूसरे प्रणाम करेंगे तो उनका आशीर्वाद आपके ऊपर अपने आप पहुंच जाएगा। तो उद्देश्य ये कि 16 माला, देखिए 2 माला आप रोज करो, 2 माला अगर आप सबर से भी करोगे ना तो नया साधक भी तो 20 मिनट में कर लेगा, 20 से 25 मिनट में, और होना भी चाहिए। अगर आप मेरी पूछोगे तो मैं 2 माला 13 मिनट के अंदर कर लेता हूँ, लेकिन कारण क्या है कि 13 भी नहीं 12 मिनट में, लेकिन कारण क्या, मेरे को सालों हो गए करते, प्रैक्टिस हो गई, प्रैक्टिस इज मेन परफेक्ट। ठीक है, मेरा तो उच्चारण का तरीका लगे, अपने आप आदत पड़ जाती है और शुद्ध आनी चाहिए। मैं फिर बोल रहा हूँ, शब्दों का ध्यान रखना, तरीके से बोलना है। ठीक है, आपने 2 माला रोज करनी है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, सरलता से संयम से और घर में एकांत होके। हाँ, आप अभी गुरु के शरण में नहीं है, अभी आप माला जाप कर रहे हैं तो आप घर में सोफे बैठ के कर सकते हैं, अगर आपको आसन पे भगवान के आगे बैठना तो भगवान के आगे बैठ सकते हैं, आसन पे बैठ के कर सकते हैं, पलंग पर बैठ के कर सकते हैं, आप छत पे जाके कर सकते हैं, टहलते हुए कर सकते हैं। माता बहन खास तौर पे ध्यान दें, वो मोस्टली ये कहते हैं प्रभु जी क्या हम अपने अशुद्ध दिनों में माला जाप कर सकते हैं। मैं पहले बता दूं, ये नए साधकों के लिए जिन्होंने गुरु दीक्षा नहीं ली, तो उन माता बहनों को बोलूंगा आप अशुद्ध दिन में भी माला कर सकते हैं, अगर आपने घर में माला है, जब आप, क्योंकि जब आप माला, जब आप नहाते हैं तब अपनी माला धो भी सकते हैं। अगर आपके घर में गंगा जल है तो एक छोटे से बर्तन के अंदर, स्टील के बर्तन में गंगा जल डाल के उसमें थोड़ा पानी डाल के उस माला को 2-3 बार डुबा लीजिए और माला को फिर झोली में डाल के रख दीजिए, और उस जल को आपने किसी पौधे पे डाल देना, नाली में नहीं बहाना, ठीक है, और तुलसा जी में डालना, तुलसा जी में कोई धूला हुआ किसी चीज का जल नहीं डलता, तुलसा जी में तांबे के बर्तन से तुलसा जी के लिए तुलसा जी का जल डलता है। ठीक है, तो आप किसी भी पौधे की वृक्ष में घर के गमलों में डाल दीजिए, ये बात क्लियर समझ ले। माता बहन भी कर सकती है अशुद्ध दिन में भी, और वो मंदिर में बैठ के नहीं करेंगे, अशुद्ध दिन में कोई भी माता बहन ना कोई भी मंदिर का कोई भी कार्य नहीं करेंगे, इवन किसी भी हनुमान चालीसा दुर्गा चालीसा किसी भी ग्रंथ को पुराण को हाथ नहीं लगाएंगी। हाँ, अगर वो माला जाप करती है तो मंदिर से दूर बाहर रख लें, किसी के द्वारा मंदिर से उठवा लें, बाहर रख लें और फिर अपने साथ ही रख लें माला को, कोई ऐसी बात नहीं होती। और जिस दिन उनका सर धोए उस दिन माला आप शुद्ध कर सकती हैं, माला साफ करते हैं। याद रहे तुलसा जी कभी अशुद्ध नहीं होती, इसलिए जो कंठी धारण भी होते हैं ना वो शौचालय जाते हैं, उनको कोई अपराध नहीं होता, लेकिन माला लेकर शौचालय नहीं जाना फिर अपराध लगता है। ये बात मैं बहुत सही है और सबर से समझा रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ आ रही होगी। तो बात करते हैं कि हमें तरीके से करना, चाहे घर में शुद्ध 2 माला करें, कंपटीशन नहीं है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हम यहाँ तक समझ गए कि आपने माला जपनी है, माला जपते जपते आपने लास्ट तक आना है, अगर आपने और करनी है वहीं से घुमा देनी है, आपने सुमेरु क्रॉस नहीं करना। अब यहाँ पे आते हैं, इसे कहते हैं साक्षी माला, इसे कहते हैं साक्षी माला। इसमें एक तरफ 16 मनके हैं और एक तरफ 4, इस 4 मनकों में 2 मनके नीचे, ये 2 मनके क्यों बता रहा हूं, जब आप एक माला करते हैं बड़े से छोटे वाले पे आते हैं तो आपकी एक माला हो गई, इसे नीचे कर दो, आपको पता चल जाएगा हमने सुबह एक माला कर ली है, आपने घुमा के फिर एक माला कर ली, फिर आपने 2 कर दो, इतने में कोई आपसे मिलने आ गया तो आप माला निकाल के वहां रख दो। अब आप जैसे शाम को उठते तो आपको पता होना चाहिए आप भूल गए कितनी माला करी होगी, तो आपको पता 1-2, तो 2 माला हो गई तो 3री माला मतलब मोटे मन के चालू होगी, इससे आपको काउंटिंग भी हो जाएगी, फिर आप माला चालू करो। अब जैसे ये करते करते आपने एक दिन में समझ लो 16 माला कर दी, अच्छी बात है जो 16 माला पहुंच जाए, वैसे
दास 16 माला पौने दो दो घंटे में अच्छे से श्री जी की कृपा से कर लेता है, और अगर जो साधक होते हैं पौने दो घंटे में कर लेते हैं, बड़ी कृपा है मुझ पे। तो जैसे 16 माला हो गई तो 16 माला करने के बाद ना एक मन का नीचे कर दो, तो एक मन का जैसे इसमें दो मन के हैं तो मतलब मेरी सुबह से 32 माला हो चुकी है, इसमें दो मन के तो मतलब मेरी सुबह से 32 माला हो चुकी है। तो ये इसलिए होता है, जैसे आपके हो गए इसको माला को फिर ऊपर कर दो, फिर आपने ऊपर कर दिया, अब मेरी 32 माला हो चुकी है, अब मैं जो की माला करूंगा फिर ये माला होगी, जब ये 16 नीचे आएगी फिर मैं एक माला और नीचे कर दूंगा, तो इसका मतलब मेरी और 16 माला हो गई, ठीक है ना, 48 माला हो गई। इस तरह से अगर दिन में हो या 64 माला तो समझ लो आपके 1,25,000 मंत्र हो गए। बोलो 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 वृंदावन श्री बांके बिहारी लाल की जय। तो इसे कहते हैं, इसको इस तरह से बांधना है कि चार चार एक तरफ रहे उसको नीचे के लिए और आठ एक तरफ रहे, और झोली की जो साइड होता है ये इससे बांध रहे, और इसको साइड में करके ऐसे करके झोली लपेट ले, इसको यहाँ फंसा दे और अपनी नाम जप करते रहे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मित्रों उम्मीद करता हूँ दास के द्वारा बात आपको अच्छे समझ आ गई होगी। अब ये है कि माला से पहले हमें कौन सा मंत्र जपना है, तो आइए मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ माला से पहले कौन सा मंत्र जपना है। जब भी आपका हाथ झोली में हो तो इस मन का जो ये मन का पहला पकड़ते ना, ये सुमेरु सुमेरु तो गुरु है, ये सुमेरु जो होता है सुमेरु कहते हैं, ये गुरु होता है, राधा रानी है, तो इसका मंत्र होता है पहले आप यहाँ पे यहाँ रख लो हाथ, तो आपने ये माला जैसे झोली में हाथ डाली, कौन सा मंत्र पढ़ना है इस बात को आप समझ लीजिए। श्री गौरांग नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र श्री गदाधर श्री वास आदि गौर भक्त वृंद, श्री गौरांग नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र श्री गदाधर श्री वास आदि गौर भक्त वृंद, श्री गौरांग नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र श्री गदाधर श्री वास आदि गौर भक्त वृंद। आप चार पांच ये मंत्र बोलने के बाद फिर पहले मन के से, जो कि सुमेरु को नीचे पहला मन का माना जाता है, सुमेरु को नहीं गिनना, यहाँ से पहले मन के से आपने स्टार्टिंग कर देनी है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सच बताऊं आपको सुन के आनंद आए ना आए, मुझे तो आपको बताते हुए समझाते हुए बड़ा आनंद आ रहा है, प्रभु ने इस दास को इतनी सुंदर सेवा प्रभु के भक्तों तक जन जन तक प्रभु के भाव बताने के लिए, सच में मन गदगद है समय मेरा, तो भाव यही होना चाहिए जब आप नाम जप करो मन गदगद होना चाहिए, ना कि गुस्से में होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए प्रेम से जपो भाव से जपो, याद रहे ये कलयुग है, प्रभु ना जब से मिलेंगे ना तब से मिलेंगे, ना धूप अगरबत्ती दिए से मिलेंगे, ना पेड़े से मिलेंगे, ना रबड़ी से मिलेंगे, गोविंद सिंह प्रेम से मिलेंगे। कर दो खुद को अर्पण गोविंद के चरणों में, खुद ब खुद गोविंद तुम्हारे भीतर उतर आएंगे। मित्रों उम्मीद करता हूँ द्वास द्वारा बताई गई ये महत्वपूर्ण बात आपको समझ आई होगी। मैं फिर बता रहा हूँ ये कंपटीशन नहीं है, ये भक्ति मार्ग है, प्रेम का मार्ग है, ये प्रेम की बात है, वो तो दिल लगी तेरे बस की नहीं है, तो यह प्रेम का है, तो बंदगी नहीं करनी, यहाँ बंदगी का मैटर नहीं है, यहाँ तो दिल लगी है, दिल लगा रहा है गोविंद से, नाम जब में प्रेम होना चाहिए, बोझ बन के मत करो, प्रभु से प्रेम करो। अरे हम तो अपने यार को खुश करने के लिए कर रहे हैं, और उन माला से कुछ मांगो मत, प्रभु बस खुद को कर दिया तेरे हवाले, प्रभु अब तुम जानो क्या करना है, माया में अपनी रखना है या चरणों में अपनी रखना है, बस समर्पण कर दो, खुद को कर दो चरण अर्पण गोविंद के चरणों में, खुद ब खुद गोविंद तुम्हारे भीतर उतर आएंगे, तुम्हें गले लगाएंगे। ये मेरी अपनी अनुभूति है, मुझे बहुत पॉजिटिव वेव्स मिलती है जब मैं माला करता हूँ। तो मित्रों बहुत सही और प्यार समझाया, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज हाथ जोड़ के विनती है, सनातनी उद्धार हो, सबका कल्याण हो, आप भी आगे शेयर करिए, मेरे मन में प्रभु ने आपके लिए भाव दिए, आप आगे शेयर कीजिए। अगला वीडियो क्या होगा मैंने आपको बता दिया कि माला कंठी माला जाप माला टूट गया है तो हमें उसके साथ क्या करना चाहिए, तो दास के साथ जुड़े रहिएगा, जो भी भक्ति मार्ग में पहला सुन पा रही है पहली बार सुन रहा है अभी से दास के चैनल को रेड वाला सब्सक्राइब करके बेल आइकन टिंग टोंग दबा देना, और घर बैठे मन के भाव से दास से जुड़े रहना। तो मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, राधे राधे ब्रज भास्कर राधे, राधे श्याम सीताराम।